रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। हमारे देश में कानून सबके लिए, पुलिस प्रशासन सबके लिए एक है। पुलिस का काम है पीड़ित को न्याय दिलाना और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पीड़ित को न्याय तो दूर, उनका हाल तक नहीं पूछा जाता। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचता है और वो हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। और एक बार फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठी है सेवापुरी कपसेटी थाना क्षेत्र के बाराडीह भुसीला गांव में, जहां बीते 1 नवंबर को हुई किसान गोपाल सिंह की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कोई समुचित कार्यवाही ना किए जाने से नाराज परिजनों समेत ग्रामीणों ने पहले भुसोला गांव में फिर थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जी हां, परिजनों का आरोप था कि हत्या के 3 दिन बाद भी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में तो लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर मामले को दबाने में लगी हुई है तथा बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। घंटों हंगामा चलने के बाद पुलिस ने लोगों के बड़े आक्रोश को देखते हुए मारपीट की दर्ज धारा में 302 की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी दुर्गेश सिंह, कालिका सिंह और विंध्यवासिनी सिंह को कपसेटी पुलिस विधिक कानूनी कार्यवाही करते हुए धारा 323, धारा 324, 552 और 302 के तहत आरोपियों को जेल भेज दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे तमाम अपडेट्स। असम और डिब्रूगढ़ वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को सिलकाले परिवार जोरहाट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की ओर से दीपावली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर सिलकाले परिवार सबके लिए सुस्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता है। अरुण कुमार जैन, जिला ब्यूरो चीफ, राष्ट्र हिंदी न्यूज चैनल। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।